आगे बढ़ते देवभूमि की बात करते हैं। आपको बता दें देवभूमि में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट गढ़वाल मंडल के 3 जिलों में जारी कर दिया गया है। भारी बारिश होने की संभावना यहां पर बताई गई है और इससे बचने के लिए लोगों से अपील भी की जा रही है कि लोग नदी नालों से दूर रहें ताकि किसी तरीके की दिक्कत जो है उनके लिए खड़ी ना हो जाए। और साथ ही आपको बता दें स्कूल भी कई बंद कर दिए गए हैं बागेश्वर में, चूंकि भारी बरसात हो रही है तो ऐसे में कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल जो है उनको बंद किया गया। हालांकि टीचर्स को स्कूल में अपनी हाजिरी जरूर लगानी होगी, लेकिन बच्चों को एहतियात के लिए उनके घरों पर ही रहने के लिए अवकाश दे दिया गया है। तो देहरादून, पौड़ी और टिहरी 3 जिले हैं जहां पर बरसात हो सकती है। ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है, लोगों को सचेत रहने के लिए चेतावनी भी दी जा रही है। योगेश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। योगेश का हम रुक कर लेते हैं। योगेश, ताजा हाल क्या है बागेश्वर का? स्कूल तो बंद है, टीचर्स को हालांकि आना होगा, लेकिन बरसात को लेकर क्या अपडेट है? जी देखिए, आज कुमाऊं, पूरे कुमाऊं के 5 जिलों के स्कूल बंद करने के आदेश जिला अधिकारियों ने दिए हैं। यहाँ पे बात करते हैं पहाड़ी जिलों की, तो काफी यहाँ पे बारिश हो रही है और बागेश्वर में अभी मौसम थोड़ा साफ है, लेकिन दिन तक यहाँ पे जो मौसम बन रहा है तो दिन तक भारी बारिश होने के आसार यहाँ पे हैं। तो जो अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट यहाँ पे है, तो इसलिए प्रशासन ने सारे स्कूल्स, आंगनबाड़ी केंद्र बंद करे हुए हैं। ठीक, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।